I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद मुनीब एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। इस टाइम जो है मैं अपने डिपार्टमेंट के जो है मैन हमारा एडमिन ब्लॉग जो है उसके आगे खड़ा हूँ। आज हम लोग अंदर जाएंगे और थोड़ा सा आपको जो है डिपार्टमेंट्स दिखा देता हूँ, अपना डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली जो है मैं बताता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और इधर मेरे राइट तरफ जो है इधर अंदर जाके जो है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट आ जाता है, और मेरे लेफ्ट जो है साइड पर वो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट आ जाता है। चले चलते हैं। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। इतनी आंखें क्यों मार रहे हैं आज? खैरियत नहीं, आंख में थोड़ा कुछ किया है आज में कुछ ये। अच्छा, आप आपकी जो है ना, आप मुझे आज सिर्फ ये बताएं कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की क्लास के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं, कुछ समझ आ रही है? किस हवाले से, कौन से ख्याल आते हैं, कुछ समझ आ रही है क्या हो रहा है, कैसी फीलिंग आती है आज? यार बहुत अच्छी पढ़ा रही है। छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। और यार काफ़ी टाइम हुआ व्लॉग में नहीं आया। हम भी वेट कर रहे थे कि लेकिन शायद आपको जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से या कुछ पर्सनल इशू थे इसलिए व्लॉग नहीं आया था, बहुत लोग हुए व्लॉग। अच्छा, अब ये बताएं कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप कैसा फील करते हैं? यार स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है वो इतना ईजी है नहीं एज कम्पेयर टू अदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। बिल्कुल, खुद जो है ना मेहनत करना हो। एग्जैक्टली यार, और यूनिवर्सिटी में है भी ऐसा माहौल के आपको जो है ना थोड़ा कम टीचर करे। और आप थोड़ा डिपार्टमेंट बताएंगे अभी आप किस टाइम जो है ना यूटी मदान का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट है, और ये जो है ना हम लैब में बैठे लैब में हैं, हमारे दोस्त हैं कुछ काम कर रहे हैं, ये जो है ना चेयरमैन साहब का ऑफिस है। एग्जैक्टली, और ये सारा कॉरिडोर है। अच्छा तो गाइस अभी हम आ जाते हैं अपने जो है लैब नंबर वन की तरफ। अभी हमारा जितना भी काम होता है ना तो मैक्सिमम जो है लैब नंबर वन में होता है, जो कि ये है। और इधर अभी भी कुछ सीनियर्स बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ जो है हमारे पास अच्छे पीसीज हैं, ठीक है। इधर इस टाइम जो लैब में पढ़े हुए हैं वो i7 10th जनरेशन पढ़े हुए हैं। कैमरा एंगल ठीक रखना चाहिए। और इस टाइम गैस मैं जो है मौजूद हूँ डेटा साइंस के लैब में। और डेटा साइंस का लैब जो है हमारा इधर जो है सिस्टम्स जो हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, बट ये है कि जो हमारा पहले वाला लैब था उसके अंदर ज़्यादा काम जो जब भी हमारा जो है लैब का काम होता है, कंप्यूटर वगैरह हम यूज़ करते हैं तो हम उसी लैब में होते हैं, वो मेन लैब है। और ये डेटा साइंस का लैब है, और आगे इस तरह ही थर्ड लैब आता है, फोर्थ लैब आता है। बाकी मल्टीमीडिया वगैरह का सिस्टम हर जगह सेट है। अभी ये हटाया हुआ है, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम था तो सेट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी नीचे रख लिया हमने। अच्छा तो गाइस अभी क्लास का टाइम हो गया, 12 बजे हमारी क्लास है और ऑलरेडी 12:05 हो गए हैं। तो पहले क्लास को जाते हैं, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, कुछ नहीं खाया, तो बस जब से हॉस्टल आए हैं बस गरीब लोग हैं, क्या करें। अच्छा तो अभी पहले क्लास करते हैं तो फिर बाकी देखते हैं। तो गैस मैं वापस अपने रूम में आ गया हूँ यार। अभी जो है ये गया हुआ था, ये गया हुआ था उधर, किधर गया हुआ था, स्पीच कॉम्पिटिशन था। स्पीच की तू ना किसी? नहीं, मैं तो सुनने गया था। दो साले ये जिसने जो है वो अपना क्लास भी मिस की है और इसने जो है फिर भी जाके स्पीच भी नहीं की, हालांकि ये स्पीच करता तो अच्छी करता है। और अभी गाइस आज का व्लॉग बिल्कुल यार बोरिंग जा रहा है, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं है और आज कुछ इतना है भी नहीं करने को। अभी जो है तैयारी पकड़ रहे हैं, बस जा रहे हैं घर। एक्सपो है और एक्सपो है कल, ठीक है। तो सेमिनार वगैरह भी हैं, वर्कशॉप्स भी हैं। आई विल ट्राई कि मैं व्लॉग बनाऊँ, तो स्टे कनेक्टेड। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अभी जो है खाना वगैरह भी खा लिया था और अभी जाते हैं सर मैं, और आपको मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट वगैरह दिखाता हूँ। मौसम आप देख सकते हैं आज जो है काफ़ी धूप है। इधर तो मौसम ऐसा है कि अभी इतनी सर्दी नहीं हुई, मतलब गर्म गर्म मौसम है, लेकिन धूप है। सिटी में जो है आप किधर से, कैसा मौसम वगैरह है वो मुझे बताएं। गए
गाइस ये जो है क्लास है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, क्लास में हूँ इस टाइम में। अभी ये बिल्कुल नया डिपार्टमेंट है तो सारी चेयर्स वगैरह भी नई है, मल्टीमीडिया सिस्टम और सब कुछ जो है परफेक्ट है। और बाकी जो हमारा डिपार्टमेंट है वो थोड़ा पुराना है, आपको लग रहा होगा यार डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, बट बेस्ट डिपार्टमेंट है सॉफ्टवेयर का इधर, सही है। किसी और यूनिवर्सिटी में जाने से बेहतर आई विल सजेस्ट के जो है इधर आओ। अच्छा आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है ये हमारे बस की बात नहीं है ये हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा तो गाइस इस टाइम जो है हमारे साथ अमार भाई हैं, पहले कभी वीडियो में नहीं आए मेरे ख्याल से, तो ये जो है मैकेनिकल इंजीनियर है फ्यूचर, मैकेनिकल इंजीनियर है फ्यूचर, कोई नहीं है बुजुर्ग। और आप जैसे दो इंजीनियर पे तो हां इरादा कोई नहीं है, भागते हैं उससे पहले ही कहीं भाग जाते हैं, क्या इरादा है। तो क्यों इंजीनियरिंग क्यों लिया, स्कोप किस चीज का, स्कोप तो बहुत ज्यादा, स्कोप उठाने का है, स्कोप सिर्फ उठाने का। अच्छा अरसलान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं। ये जो है हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के टॉपर हैं, इनसे गपशप भी लगाते हैं साथ, ऊपर भी चलते हैं। ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट है यार, अपने डिपार्टमेंट्स वगैरह बताओ, इधर आप अपने लैब्स बताओगे या नहीं। ऊपर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जी। अच्छा अभी हम जाते हैं ऊपर, देखते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स। तो गाइस अभी इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है ये सेकेंड फ्लोर पर, और इधर जो है इनकी फिलहाल क्लासेज हो रही है, तो हम अंदर नहीं जा सकते और इधर ज़्यादा शोर भी नहीं मचा सकते। और ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो है नई है, तो हमारी वाली तो पुरानी हुई है सारी, बट ये है कि ये वाली सारी बिल्डिंग्स नहीं है। व्यू ये हमारी वर्कशॉप है मैकेनिकल की, कौन सी इसके अंदर हैवी मशीनरीज इंस्टॉल हुई है। अच्छा मुझे एक बात बताए, ये जो नीचे एक चीज़ लगी हुई है इसका क्या मकसद है, वो सामने ब्लू से ये फवारा है यहाँ पे, ये भी इस पे फवारा है लेकिन ये चल नहीं रहा है अभी बस। हमारे भाई ये फवारा कब चलेगा यार, यार नहीं बात इस तरह की, अभी तो आप सीनियर हो गए, इसको कब चलाएंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बस मैंने ऑर्डर किए होंगे पर मुझे इसमें बहुत जल्दी काम होगा। अच्छा देख लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, आईफोन इस बंदे का है जिससे मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और धमकी मुझे कौन दे रहा है कि अगर तेरे हाथ से छूट गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बंदा अब ये बता रहे हाँ मिला तेरे थ्रू, चल बंदा है हमने। अब देख ले तेरा दोस्त क्या कह रहा है कि हमने इसे खरीद के दिया, सान चढ़ा रहे फिर अबे साले। अच्छा और गैस अभी इधर बाहर आ जाते हैं तो बालकनी है, और इधर से जो है आप व्यू देख सकते हैं नीचे, वो सामने जो है मेरा हॉस्टल है, ये नया हॉस्टल है। और बाकी जो है ये नीचे जो डिपार्टमेंट, ये अभी मैकेनिकल वालों की वर्कशॉप है आजकल, और ये लॉन्स हैं वो सामने मस्जिद, इधर से मतलब तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी को आप देख सकते हैं। अभी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि लैब्स में जो है हम जाएँ, लेकिन मसला ये है कि लैब इस टाइम सारे बिजी हैं, तो इन सम अदर ब्लॉग आई विल ट्राई के जो है हम लैब्स में भी जाएँ। हमारे लैब्स में तो क्योंकि कुछ नहीं था, आपने देखा कंप्यूटर्स नहीं है, हमारा काम ही कंप्यूटर्स के साथ है, इन लोगों का जो है बड़ा मज़े के लैब्स होते हैं। आपको बाकी अगले उसमें लैब्स के विजिट कराएंगे, अभी सारे लैब्स में काम चाह रहे हैं तस्वीर पर इंशाल्लाह ज़रूर। चलो यार अभी चलते हैं, अभी वापस जाते हैं बस, अभी और तो कुछ नहीं, आपने डिपार्टमेंट्स वगैरह देख लिए। तो बाकी गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो है वो शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना यार, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।